साहिबगंज जिले में पंचायत चुनाव का मतगणना संपन्न हो चुका है। मतगणना हॉल में जीत की घोषणा होते ही प्रत्याशी जीत का जश्न मनाते हुए अबीर गुलाल खेलते दिखे, परंतु जब प्रमाण पत्र लेने की बारी आई तो पासा ही पलट गया। जीते हुए प्रत्याशी को पराजित करते हुए उनके प्रतिद्वंदी की जीत घोषित कर प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इसी तरह का मामला तालझारी प्रखंड क्षेत्र के भटभंगा पंचायत के वार्ड नंबर 3 में देखने को मिला। वार्ड नंबर 3 में चुनाव के दौरान दो प्रत्याशी बीजू मुर्मू और कोनेलियस हांसदा आमने सामने चुनावी मैदान में खड़े थे। मतदान के उपरांत 31 मई को मतगणना के दौरान बीजू मुर्मू को 111 मत प्राप्त होने की पुष्टि पदाधिकारियों द्वारा की गई और जीत की घोषणा कर दी गई। साथ ही बीजू मुर्मू के प्रतिद्वंदी कोनेलियस हांसदा को 72 वोट मिलने की भी घोषणा की गई। मतगणना के दिन प्रमाण पत्र का वितरण नहीं हुआ। वहीं समर्थकों के साथ अबीर गुलाल खेलते हुए घर पहुंचे और वार्ड सदस्य प्रत्याशी बीजू मुर्मू और उनके समर्थकों ने जमकर जीत का जश्न मनाया और ग्रामीण भी उस जश्न का हिस्सा बने। वहीं गुरुवार को तालझारी प्रखंड में निर्वाचन पदाधिकारी सह DCLR कुमार जयवर्धन से मिलकर बीजू मुर्मू ने अपने जीत का परिणाम पत्र लेने पहुंचे तो उन्हें जीत का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया और कहा गया कि आपके प्रतिद्वंदी कोनेलियस हांसदा वार्ड नंबर 3 से विजयी हुए हैं और उन्हें प्रमाण पत्र दे दिया गया, जिसके बाद बीजू मुर्मू का जश्न पूरा फीका पड़ गया। आगे बीजू मुर्मू ने बताया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय मुर्मू है। किस पंचायत से हैं आप? हम भटभंगा पंचायत से वार्ड नंबर 3 से हम चुनाव लड़ रहे थे। प्रखंड तालझारी जिला साहेबगंज। क्या दिक्कत हुआ आपको? दिक्कत यही हुआ कि काउंटिंग जब वोटिंग में गए थे तो मेरा कुल मतदान 111 निकला। हाँ। और मेरा जो अगेंस्ट है उसका 72 निकला। अच्छा। उसमें जीत तो मेरा था। उस जगह पर अभी मैंने जो सर्टिफिकेट हम लोग को मिलने वाला था तो वो सर्टिफिकेट काउंटिंग हमको हम लोग को नहीं मिला। तो उस काउंटिंग में बोल दिया कि आप लोग को ब्लॉक तक मिल जाएगा। ब्लॉक में आए तो ब्लॉक में देखते हैं जिस जगह में मेरा 111 मत आया था वो मेरा अगेंस्ट का 72 था। अगेंस्ट पार्टी का 72 था तो उसका वो 72 का जगह में हमको 72 हमको दे दिया। हमारा जो मत मिला था 111 उसको उसके नाम पर दे दिया रिजल्ट में। उनका क्या नाम है प्रतिद्वंद जो आपके संग में है, आपका दूसरा पार्टी जो है? कोनेलियस हांसदा। अच्छा अच्छा। तो वहाँ क्या बताए आपको? आरओ से मिले थे जाके? मिले थे। हाँ, क्या बताए? वो बताए कि आपका तो 72 मत हो रहा है और आपका अगेंस्ट का 111 हो रहा है, जबकि मेरा वो पंटिंग में 111 था। तो चलिए ठीक। वही जब इस बारे में निर्वाचन पदाधिकारी सह DCLR कुमार जयवर्धन से जानकारी ली गई तो बाइट देने से इनकार कर दिए तथा उन्होंने निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम पत्र दिखाते हुए कहा कि यह परिणाम पत्र आप देख सकते हैं जिसमें कोनेलियस हांसदा को 111 मत एवं बीजू मुर्मू को 72 मत प्राप्त हुए हैं। इसके आगे हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अब वे आगे कोर्ट में अपील में जा सकते हैं। क्या दिक्कत हो रहा बताइए तो? दिक्कत यही चीज है सर, 31 तारीख को काउंटिंग में हम लोग गए थे। हम मुखिया का मैंने काउंटिंग एजेंट थे। 3 नंबर वार्ड का आपका 79 बूथ है, किस पंचायत है,
प्रखंड तलियारी है, उसमें से आपका एक नंबर गैस चूल्हा छाप को मिला था 72 वोट, काउंटिंग में हम वहाँ मौजूद थे। नौ नंबर आपका टेबल में हुआ था, मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जान रहा हूँ। और एक आपका 111 आपका जिला छाप में मिला है और 13 रिजेक्ट हुआ है। मैं अच्छी तरह से वहाँ सुन बुझ के सब मैं नोट भी किया हूँ। और इस तरह से जब उनको बोला जीत गया तो विपक्ष पार्टी तो अपना निकल गए। उसके बाद ये लोग राजनीतिक तत्व के चक्कर में मैंने उल्टा सीधा करके उस दिन तो दिया नहीं, कल भी गए थे 1 तारीख को, तो सुबह से किसी वार्ड को नहीं दिया जाएगा। आ जाया तो जो 111 को जो निर्वाचन में मैंने घोषित करना चाहिए विजय, उसको नहीं दे करके 72 जो वोट लाया है उसको दिया गया है। ये बहुत गलत है और इसके गलत के कारण हम लोग इसका ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे।